Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. Shri Kedarnath Yatra Marg par Lincholi mein malbe mein dabe hue 3 shav mile hain. Aashanka jatai ja rahi hai ki 31 जुलाई को बादल फटने की घटना की चपेट में आकर तीनों की मौत की हुई थी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। गुरुवार को कुछ मजदूरों द्वारा एसडीआरएफ को सचेत किया गया कि मलबे में दबे कुछ शव दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद एसआई प्रेम सिंह ने नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्चिंग अभियान चलाया गया। बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे दबे शवों को बाहर निकाल कर जिला पुलिस के सपुर्द कराया गया। जिला पुलिस द्वारा शवों को शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई की रात हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल मार्ग 13 स्थानों पर बुरी तरह ध्वस्त हो गया था। अभी मार्ग खोलने में समय लग रहा है। फिलहाल हवाई मार्ग से यात्रा सुचारू है। भोमबली और लिंचोली के बीच अतिवृष्टि केदारनाथ पैदल मार्ग में 13 स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। गौरीकुंड से रामबाड़ा के बीच पैदल मार्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा था। भीमबली जंगल चट्टी से सबसे ज्यादा मार्ग ध्वस्त हुआ था, जबकि 10 ऐसे स्थान थे जहां पर मार्ग बुरी तरह टूट गया था। जंगल चट्टी से 50 मीटर मार्ग वॉश आउट हो गया था।